13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। तू तक इनका शक ठीक निकला, हमजा गद्दार है। मजबूर मत करो मुझे अर्तुरुल, ये बात जान लो कि मैं तुम पर भी कोई रहम नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से कबीले का अमन सुकून बर्बाद हुआ है। हमारे रास्ते में मत आओ, इस जिरगे में कोई जगह नहीं है तुम्हारी। चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। अब्दुल रहमान की सजा पर अमल दरामद के दिन का इंतखाब काई कबीले की सरदार खुद करेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। अर्तुरुल की वजह से इस हाल को पहुंच गए हम सब। अब्दुल रहमान और हमजा को मार देना चाहिए था, उसी वक्त खत्म हो जाता है सब। या अल्लाह बाबा, सरदार हम ठीक हैं। सरदार क्या हुआ बाबा, क्या हुआ सरदार? आपको सरदार उठो। असल बात यह है कि तू तो किन का भरोसा हमसे उठ चुका है वालिदा। कैसे ना उठता, तू तक इनसे अब हम लोग कैसे नजरें मिला पाएंगे? बस कर दो तुम, सिर्फ एक शख्स की बगावत पूरे कबीले को मशकूक नहीं बना सकती। किसी को क्या पता कि उनके कबीले में कितने गद्दार हैं? काश कि सिर्फ कोई एक ही गद्दार होता। जिस दिन से हम लोग यहाँ आए हैं, लोगों का सुकून गारत हो गया है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि हमसे किस तरह ये सब नजरअंदाज हो गया। अंदाजा नहीं था कि हमारी मुश्किलात का घेरा इतना तंग हो जाएगा। नकल मकानी करने से मना किया था लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अगर हमें यही जिंदगी बसर करनी है तो हर तरह के हैवानों का सामना करना पड़ेगा और हर तरह की मुसीबतों के लिए तैयार रहना होगा। कसास का मुतालबा करेंगे वो और हमें कीमत अदा करने पर मजबूर करेंगे। जो कीमत होगी हम अदा करेंगे दिली तमीर। आपने अपने ऊपर बहुत बोझ ले लिया है, आराम की सख्त जरूरत है आपको। इस उम्र में जहां इन्हें सुकून और आराम की जरूरत है, वहां इनके सामने रोज कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। काई वालों ने जिंदगियों में जहर भर दिया है। मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ भाई। अर्तुरुल आया है, यानी यहां अपनी मौत ढूंढने आया है। चाबाजों को तैयार करो। सुना नहीं तुमने काया? जो आपका हुक्म। बेहतर होगा कबीले में कोई फसाद ना हो, रिवायत का ख्याल रखना होगा। कौन सी रिवायत आर्तु? तू तकिन,
जो तुम करने जा रहे हो वो दुश्मन की सफों को मजबूत कर देगा। तुम्हें उन्हें टुकड़ों में तकसीम करना है ताकि वो बासानी जेर हो जाए। तूतकिन, मेरे प्यारे बेटे, बाबा, मेरे प्यारे बाबा, सरदार को बुढ़ापे में यह दवा देती हैं। इस उम्र में यह दवा इनके लिए जहर से कम नहीं। सुलेमान शाह के बेटों के अलावा सब बाहर चले जाएं। नजदीक आओ। दोनों यहां देखो मेरी आंखों में। तुम्हें इस दिन के लिए बड़ा किया था मैंने। तुम्हारे बाबा अगर आज हयात होते तो कितना खुश होते कि उनकी औलाद ने उनका सर फखर से बुलंद कर दिया। सही कहा ना? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। हमने कितने मसाइब झेले, बहुत से दुश्मनों को शिकस्त दी। हमें इस वक्त इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत है, लेकिन ये क्या किया तुम दोनों ने? किस तरह कबीले वालों का सामना करोगे? अब कान खोल के सुन लो मेरी बात। आज के बाद अगर तुम दोनों ने एक दूसरे पे हाथ उठाया तो अपने हक से महरूम कर दूंगी तुम्हें। सुन लो मेरी ये बात। उम्मीद है समझ गए होगे। अब एक दूसरे से माफी मांगो और गले मिलो। मुझे माफ कर दे भाई। माफ किया, तुम भी मुझे माफ कर दो मेरे भाई। मैंने भी माफ किया। बैठ जाओ। अब मुझे हमजा का मसला बताओ। Yeah.
जान लो, लालच इंसान की रगों में खून की तरह मौजूद है, और ये दौलत एक जंगजू के लिए बहुत सस्ता सौदा है। मैं जानता हूं कि तुम में से किसी को भी इस दौलत की लालच नहीं है। तुम लोग यहां दुनिया के सबसे अजीम लश्कर का साथ देने के लिए आए हो। दुनिया के सबसे बड़े लश्कर का हिस्सा बनने की ख्वाहिश है तुम सबकी। लड़ना चाहते हो, दुश्मन का सर कलम करना चाहते हो, लेकिन तुम में से अगर किसी को भी दौलत की लालच है तो वो कह दे, मैं उसके सामने दौलत के अंबार लगा दूंगा। लेकिन तुम वो बिकाऊ माल जंगजू नहीं हो जो दौलत के लिए लड़ता है। दुनिया के लश्करों में जितने भी जंगजू हैं उनमें सबसे बेहतरीन तुम हो, क्योंकि तुम उस कबीले से ताल्लुक रखते हो जिसका नाम काई है, और आज तुम अपने भाइयों की खिदमत के लिए आए हो यहां, मंगोलों की। और एक अजीम सुल्तान ओएदे खान के लश्कर में शामिल होने के लिए आए हो, और वो तुम्हें खुशामदीद कहते हैं, और हम भी तुम्हें ओएदे खान जैसे अजीम सुल्तान के लश्कर में जंगजू की हैसियत से शामिल होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज के बाद ना सिर्फ तुम मेरे साथी हो बल्कि खूनी भाई भी हो मेरे। रुक जाओ तुर्गुत, तुमसे इजाजत नहीं मांगी, हट जाओ, जाने दो मुझे। तुर्गुत, तू तकिन भाई के हुक्म का एहतराम करो ताकि कोई मुश्किल पेश ना आए। हम सिर्फ अर्तुरुल भाई की सुनते हैं। उसके लिए खाना लाए हैं हम ताकि वो कुछ खा ले। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना। मेरे भाई, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं मेरे भाई। क्या खबर है? क्या वाकई गद्दारी की है हमजा ने? दुरुस्त है, वो मंगोलों का जासूस निकला। शायद हमेशा से ही गद्दार था वो, और शायद इस तबाही का जिम्मेदार भी। हमजा की गद्दारी का बदला वो मुझसे लेना चाहते हैं। जब तक अर्तुरुल भाई मौजूद है, जब तक हम मौजूद हैं, तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। परेशान मत हो तुम। भाई, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको कुछ हो गया तो कबीले का निजाम तबाह हो जाएगा। हाय मां, सब पहले ही तबाह हो चुका है। सरदारों का कहना है कि ये सिला मिला है काई वालों का ख्याल करने का। सबको डर है कि मजीद काई वाले बागी ना हो जाएं।
इसके अलावा क्या कहते हैं? कहते हैं अमन बर्बाद हो गया, निजाम तबाह हो चुका है। तो फिर आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मेरी अजीज बहन, मुझे अपने सरदारों को मुतमईन करना पड़ेगा और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। या तुम दस्तबरदार हो जाओ जिरगे से, या तुम्हारे जांबाज हथियारों से दस्तबरदार हो जाएं। इसका मतलब आपके मौजज़ीन खुद चरवाहा बनना चाहते हैं और हमें अपना रेवड़ बनाना चाहते हैं, कई वालों को अपने मातहत करना चाहते हैं, सही समझी ना? सरदारों ने अब तक बहुत कुछ बर्दाश्त किया मगर कुछ नहीं बोले। अब अगर तुम जिम्मेदारी कबूल कर लो तो अर्तुरुल और कबीला मौजूद है, वरना ये इत्तेहाद तोड़ दो। आप बिल्कुल खामोश हैं, कुछ भी नहीं कह रहे। आपके दिल में क्या है कोई नहीं जानता। अगर ये जबान मेरे दिल की बात जान जाए तो इसे काट डालूंगा मैं, ताकि मेरी वजह से कोई मुश्किल में ना रहे। हम लोग पहले ही इस कदर मुसीबतों में घिरे हुए हैं अर्तुरुल, मुझे जानना है कि इस वक्त क्या चल रहा है आपके दिल में। बस इतना जान लो कि जंगी घोड़े मेरे दिल में महवे रथ से दरियाओं पर दौड़ रहे हैं, जिससे जमीन लरस रही है वो घोड़े बगैर किसी थकावट के दौड़ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। उन्हीं घोड़ों ने बताया है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमारे कबीले का निशान पूरी दुनिया में फैल जाएगा, सारी दुनिया हमारे कदमों तले होगी, अदलो इंसाफ हमारा शियार होगा, पूरी दुनिया हमारी होगी। हमारा कबीला तो बेयारो मददगार है अर्तुर, पूरी दुनिया हमारी कैसे होगी भला? इसलिए मैं कहता नहीं हूं कि कोई यकीन नहीं करता मेरी बात का। देखो तुमने भी यकीन नहीं किया जंगी घोड़ों की बात का। कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मुसीबतें और परेशानियां कैसे खत्म होंगी? बदगुमानियां बोएंगे तो नफरत की फसल काटेंगे। हम तुर्क सरजमीन को अपना बनाने आए थे यहां, इसीलिए जब तक हम इसे अपना ना बना ले इसकी कीमत देनी होगी। क्या है आपके दिमाग में? दोनों कबाइल को साथ मिलाकर बागियों का सर कुचलना है। ये कैसे होगा तूतकिन? हो जाएगा कुकचे, तुम परेशान मत हो, घोड़सवारी करते हैं। चले Thank you.
वहां तुम्हारे जंगजू बगावत पर उतर आए हैं और तुम यहां पर घोड़े दौड़ा रहे हो। हाँ, सिपा सालार को भी घोड़े दौड़ाने के बजाय गद्दारों को पकड़ने का सोचना चाहिए। तूतकिन, चलते हैं हम। तूतकिन, चलते हैं कुकजे, चलते हैं। मैं डर गई थी कि कहीं आप कुछ ज्यादा ना कहते अर्तुरुल। सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल छोटे जिद्दी बच्चों से नहीं भिड़ता कभी। कोचाबाश, तुम्हारे हाथ में तो बड़ा जायका है, हा? बहुत लजीज खाना है। तुम्हारे इस बड़े से सर में सिर्फ चालाकियां भरी हैं हम तो ये समझते थे, लेकिन तुम्हारे तो हाथ भी काम के हैं। क्या चालाकियां दिखाई हैं मैंने वो आज? इसकी आंखें देखी हैं आपने, हर वक्त हैरान परेशान रहता है। देखे जरा, एक जगह रुकती नहीं है इसकी आंखें। तुर्गुत और दुआन अब्दुल रहमान से मिलने आए थे आज। मिलने आए थे? समसा ने मिलने दिया। बेवकूफ अहमक समसा, आइंदा मेरे हुक्म पर अमल नहीं हुआ तो मैं तुम्हें भेड़ियों के आगे डाल दूंगा। जब मैंने कहा था कि उससे कोई नहीं मिलेगा तो फिर अर्तुरुल और उसके सिपाहियों की छोटी से छोटी गलती भी नाकाबिले माफी है, समझ गए? हाँ, इसे तो साफ करना ही भूल गया। मामू ने वालिदा से कहा है कि जिरगे से दस्तबरदार हो जाए या अपने जंगजुओं को कहें कि हथियार डाल दें। किस हाल में पहुंच गए हम? काश ये सब देखने से पहले हम शहीद हो जाते। फिर आपने क्या सोचा भाई? इस हार को जीत में बदलेंगे। तू तक इनको अपनी तरफ मुतवज्जे करना है। वो तो पहले ही ताक में बैठा है कि कब हम गलती करें। तब तो हम खुद उससे गलती करवाएंगे।
ये कैसे करेंगे आप? सबको दिखाएंगे कि तू तक इन जंगजू तो है, लेकिन रिवायात का पास नहीं उसे। तुम्हारी बगावत काफी नहीं थी जो हमारी बराबरी पर उतर आए? तुम ये पर्चा में दर नहीं लगा सकते, समझे? क्या जवाब दूं? मैं मामू से आखिरी बार बात करना चाहता हूं वालिदा। ये क्या हो रहा है बाहर? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। हाइमा खानम, वो तो तकिन भाई। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नहीं करेंगे। ये जोर सिर्फ काई कबीले के वारिसों पर चलता है। तू तक तुम शायद भूल गए कि ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, अपने असलाफ की निशानियों के लिए ऐसा रवैया जो तौहीन आमेज हो, एक सिपा सालार को जेब नहीं देता। शर्म नहीं आती तुम्हें अभी भी तकरीर करते हुए? कितनी जल्दी भूल गए हो तुम? नोयान के पालतू बनने वाले तुम्हारे ही जंगजू थे। तुमने मजबूर किया उन जंगजुओं को गद्दारी पर। उनके भाई नहीं बने, बड़े नहीं बने, वो जो एक हुक्म पर अपनी जान कुर्बान कर सकते थे गद्दार बन गए। कैसे मुत्तहिद रखोगे दो कबीलों को? अपनी नाअहली को छुपाकर दूसरों को सजा दिलवाना आसान होता है। तू तक चाहते हो तुम? रखो इसे। हम किसके लिए जी रहे हैं आखिर? हम किसके लिए लड़ रहे हैं? किसके लिए शहीद होते हैं? इस दुनिया में जहां हम अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते, वहां आखिर क्या मकसद है हमारी मुसलसल जिद्दोजहद का? सोचें।
क्या इसलिए कि असलाफ की मीरास को रोक दिया जाए पैरों तले अपने? जीने का मकसद तो यह होना चाहिए कि असलाफ की निशानियां असर बुलंद रहे हमेशा। परचम को गिरने नहीं दीजिएगा भाई। तकिन, शर्म आनी चाहिए, शर्म। तूतकिन को हमने अपने जंगजुओं का सरबरा बनाया, लेकिन ये गलती थी हमारी। तूतकिन ने सारी हदें पार कर दी आज। अर्तुरुल ने तूतकिन के साथ वही किया जिसका वो हकदार था। अर्तुरुल ने तुम्हारे बाबा के और मेरे, हम सब के वकार को बचा लिया। बिल्कुल सही कहा आपने, तूतकिन ने हद पार की है अपनी, लेकिन उसकी पीठ में छुरा घोंपने वाले हमारे ही सिपाही थे, अर्तुरुल के सिपाही। जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। अगर दोनों कबाइल में जल्द अज जल्द ये तनाव खत्म ना हुआ तो मंगोलों से पहले हम दोनों ही एक दूसरे का नामो निशान मिटा देंगे, बिल्कुल हाबील और काबिल की तरह। आप कब तक उसे मुझ पर फौकियत देते रहेंगे बाबा? तूतकिन, हमें सब कुछ अमन को मलहूज खातिर रखकर समझदारी से करना है। गुस्से से किसी का कोई फायदा नहीं होगा। यकीन नहीं आ रहा मुझे, अभी भी उसकी हिमायत कर रहे हैं। उसने पूरे कबीले के सामने मुझे जलील किया, फिर भी आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं बाबा। आपके लिए वो ज्यादा अहमियत रखता है ना? वो कोई मामूली इंसान नहीं, इस बात को समझो। अर्तुरुल की हिमायत कब तक करेंगे आप? हमेशा बरतर समझा है उसे और अब भी समझते हैं। उसके सिपाहियों ने बगावत की और नोयान से जा मिले, इस सब की वजह सिर्फ आप है बाबा, सिर्फ आप। ऐसा क्यों हुआ, इसकी कोई खबर है आपको? हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है बाबा, क्योंकि आपने उसे बचाया। आप उसे बचा रहे हैं क्योंकि वो आपका चहीता भांजा है। खामोश क्यों है, जवाब दे मुझे। अर्तुरुल को बचाने की या फिर कोई और वजह भी है? मुझे लगता है आप भी उससे डरते हैं। हाँ, डरते हैं ना बाबा?
खामोश क्यों खड़े हैं आप बाबा? कोई जवाब है? ये खामोशी मुझे बता रही है कि आप डरते हैं। अर्तुरुल इतना कमजोर नहीं कि हमारे कबीले के परचम को जमीन पर गिरा दे और पैरों तले रौंद दे, लेकिन तुम इन सब बातों का एहसास करने की बजाय सिर्फ हिमाकतें करते हो। निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ, चले जाओ। सरदार, तूतकिन की बेइज्जती दो दुर्गा कबीले की बेइज्जती है, यानी ये आपकी भी बेइज्जती है। आपको तूतकिन की इज्जत को बहाल करना होगा और काई जंगजुओं को वापस लाना होगा उनके औकात में। मैंने जो भी कदम उठाया, हालात इतने नामुवाफिक हैं कि वो मेरे ही खिलाफ गया है। दुल्हन, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? सब समझ रही हूं मैं, लेकिन आपको अर्तुरुल को सबक सिखाने की जरूरत है, वरना वो आपके फैसलों की पाबंदी करने के बजाय आपके हर काम में रोड़े अटकाएगा। मैं ऐसा कैसे करूं आयतुलन? कैसे? मैं क्या करूं? एक तरफ मेरी अजीज बहन है हायमा और दूसरी तरफ वो कबाइल का चहीता जंगजू अर्तुरुल। क्या ये आसान है? सबसे पहले अब्दुल रहमान का फैसला करना होगा। इस तरह एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, तो दुर्गा वाले भी खुश हो जाएंगे और गाय वाले भी अपने किए का खमियाजा भुगत लेंगे। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? हट जाओ हमारे रास्ते से। क्या चाहते हो अब्दुल रहमान से? हट जाओ हमारे रास्ते से, हट जाओ। सुना नहीं तुमने? अंदर नहीं जा सकते तुम? बताओ तुम्हें किसने भेजा है? क्या चाहते हो तुम अब्दुल रहमान से? ये सरदार कौरकुत का हुक्म है। चाहिए तुम्हें? वक्त आ गया तुम्हारे अब्दुल रहमान। मुस्कुरा क्यों रहे हो गद्दारी करके? ना ही तुम्हारा सरदार और ना तुम मेरी आखिरत का फैसला कर सकते हो। ये सब सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अब सारी दुनिया देखेगी तुम्हारा अंजाम, जब तुम घोड़े से बंधे होगे और वो तुम्हारी लाश घसीट रहा होगा। चलो। अब्दुल रहमान को सजा जरूर मिलेगी। तुमने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा मेरे लिए अर्तुरुल। पूरे कबीले के सामने मेरी बेइज्जती की। आप अकेले नहीं हैं। वो सबके साथ ऐसा करते हैं, दिल तोड़ देते हैं बिना कदर किए। उसे गोगचे पसंद है। गोगचे की क्या चाहत है? दोनों जल्दी अर्ज़े रूम जाएंगे, वहां से वापस आ जाएं तो फिर मिलके पूछ लेंगे कि उसके दिल में क्या है।